अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब बच्चे? ठीक है, उम्मीद के साथ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं मॉन्टेसरी क्लास के लिए आपको ऑनलाइन क्लास दूंगी। जैसा कि हम इंग्लिश बुक का पिछले लेक्चर में लेटर ए एंड ब रीड कर चुके हैं, होप सो कि आपने अपना लेसन अच्छी तरह लर्न किया है। अब नेक्स्ट लेटर आज हम सी पढ़ेंगे, ठीक है। चलें जल्दी से सब बच्चे मेरे साथ रीड करें। सी की साउंड ख, सी ख। रीड आफ्टर मी। ख कंप्यूटर, ख कार, ख कार, ख कैट, ख कैट, ख काओ, ख काओ, ख काम, ख काम। इसी तरह आप अपने लेसन को 2 से 3 दफ़ा रिवाइज करें और इसको अच्छी अच्छी तरह लर्न करें ताकि आपको ये जल्दी से याद हो जाए, ठीक है। बुक रीडिंग के साथ साथ आज हम देखें वर्कशीट का काम भी करेंगे। ये देखें वर्कशीट, वर्कशीट पे ये देखें पेज नंबर 48, यहाँ पे क्या लिखा है, सीख, सीख। ये देखें ख खेट, ख खेट। पेज नंबर 48 पे भी हम लोग ख खेट लर्न भी करेंगे और साथ साथ इसको राइट भी करेंगे। ये देखें मैं आपको ट्रेसिंग का तरीका बताती हूँ। कम टू द स्टार्टिंग पॉइंट लाइक दिस एंड आपने यहाँ से स्टार्ट करना है स्लो स्लो। ये देखें आपने डॉटिंग लाइन पे बिल्कुल लिखना है। ये देखें इस डॉट को इस डॉट से, इस डॉट को नेक्स्ट डॉट से, इस डॉट को नेक्स्ट डॉट से, इस डॉट को नेक्स्ट डॉट से। आपने इसी तरह स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करना है और बहुत ध्यान के साथ आपने अपना काम करना है। ये देखें जैसा कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ लाइक दिस, आपने इस कर्व को कंप्लीट करना है। ये देखें एंडिंग पॉइंट लाइक दिस। आप सब पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपने बच्चे को इसी ख के ऊपर 2 से 3 दफ़ा ट्रेस करवाएं। ये देखें जैसे कि मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इस तरह से 2 से 3 दफ़ा ट्रेसिंग करने से ये है कि आपके बच्चे की पेंसिल की ग्रिप बहुत अच्छी हो जाएगी। सिमिलरली ये देखें सीखा, आपने इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए इस सीखा को ट्रेस करना है। ख कैट, ख कैट, कैट में आपने बहुत प्यारे से कलर करने हैं। आप सब पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को जब वो कलर्स करें उसमें गाइड करें। इसी तरह हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, नेक्स्ट पेज पे देखें 49 पेज नंबर, आवर टॉपिक इज ट्रेस एंड कलर। ये देखें यहाँ पे भी ख खार, ख खार, हमने खा को ट्रेस करना है। जैसे कि पिछले पेज में मैं आपको ट्रेसिंग का पैटर्न बता चुकी हूँ, उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए ये देखें आपने स्टार्ट पॉइंट से अपनी पेंसिल को मूव करना है और स्लो स्लो आपने अपने, ये देखें आपने स्लो स्लो अपनी पेंसिल को मूव करना है और आपने इसको डॉट टू डॉट मैच करना है। ये देखें डॉट्स बिल्कुल स्ट्रेट, बहुत ख्याल के साथ आपने साफ साफ अपना काम करना है। ये देखें यू, ओके। इसी तरह ये देखें 3 लाइन्स है, ख ख ख, आपने ये देखें 1 ख को मैं आपको ट्रेस करके दिखाती हूँ लाइक दिस। इस तरह से ये देखें बिल्कुल लाइन के ऊपर ट्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। कोशिश करनी है कि आप लाइन से नीचे बिल्कुल ना लिखें और इस पेज की आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। पेज नंबर 49 की आपने प्रैक्टिस करनी है। खा कार में आप कोई सा भी कलर कर सकते हैं, जैसे कि स्काई ब्लू कलर, ऑरेंज कलर, और ये देखें मैं आपको थोड़ा सा कलर करके भी बताती हूँ। ये देखें आपने बाउंड्री वॉल के साथ से कलर स्टार्ट करना है। ये देखें और कोशिश करनी है कि आप कलर्स ऑब्जेक्ट से बाहर ना निकालें, ठीक है। आप कार में डिफरेंट कलर्स भी कर सकते हैं, आप अपनी कार को और खूबसूरत भी बना सकते हैं।
ठीक है, इसी तरह आपने इस पेज की प्रैक्टिस करनी है। अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये देखें पेज नंबर 50। पेज नंबर 50 पे क्या है, ये देखें ख, आपने ख साउंड से ख की ये देखें ख ख की साउंड से जो भी पिक्चर मैच होती है आपने उसको मैच करना है। ये देखें इतनी सारी पिक्चर्स हैं, ठीक है, आपने देखना है ख ख से क्या बनते हैं। देखें ख से केक, ख से केक बनते हैं ना, केक खाते हैं ना आप स्वीट स्वीट। ये देखें ख ख को आपने केक से मैच करना है, वेरी गुड। नेक्स्ट आप देखें ख ख से क्या बनता है, ये क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज अ कैट, यस, व्हाट इज दिस, कैट, ख कैट। ये देखें ख को आप कैट से मैच करेंगे इस तरह से। नेक्स्ट देखें ख से क्या बनते हैं, ख से ड्रम बनता है, नो आपने इसको ट्रेस नहीं करना। ख से ये देखें रिबोर्ड बनता है, नो आपने इसको भी मैच नहीं करना। ख से पेन बनता है, नो आपने इसको भी मैच नहीं करना। ख क्लाउन, ये देखें ख क्लाउन, ख क्लाउन, ख क्लाउन, ये देखें इस तरह से आपने ख को क्लाउन से मैच कर दिया। इस तरह आपका ये पेज कंप्लीट हुआ। आपने इन पिक्चर्स में प्यारे प्यारे से डिफरेंट कलर भी करने हैं ताकि आपका काम और प्यारा लगे। उम्मीद के साथ आज की वीडियो आपको समझ में आ गई है। आप पेरेंट्स से दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो समझ नहीं आती तो अपनी वीडियो को बार बार रिपीट करके देखें और अपने बच्चे को ध्यान से काम करवाएं ताकि आपका बच्चा आसानी से सीख जाए। शुक्रिया।